नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं सही चौक लाइव। हमने इस लाइव के लिए, इस प्रोग्राम के लिए सही चौक के जगह का चयन इसलिए किया कि ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं जहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का माँ की प्रतिमा है, इस चौक का नाम शहीद चौक हमारे अमर जवान शहीदों के नाम पर इस चौक का नाम रखा गया है। हमारे जो शहीद हैं उनके नाम पर इस चौक का नाम शहीद चौक रखा गया है। जो जो लोग शहीद हुए थे उनका जो नाम के जो लिस्ट हैं, जो हमारे अमर शहीद हैं उनके नाम का लिस्ट, उस तरफ जिस तरफ आप नगर निगम की तरफ जाते हैं वहां पर शहीद स्तंभ लिखा हुआ है। वहां पर जो हमारे शहीद हुए थे उनके नामों की लिस्ट दी हुई है। तो ये हुई। आज हम बात शहीद चौक लाइव में लोगों के सुझाव पर करेंगे और सुझाव पर करेंगे। सवाल ये है कि ये आप जिधर से भी आए, इस तरफ से आए, ये मुख्य चौक है शहीद चौक। और मुझे लगता है कि जिन शहीदों के नाम पर इस चौक का नाम रखा गया है शहीद चौक, उनके नाम जगह भी हैं उस तरफ और इस तरफ भी जगह हैं, उनके नाम बिल्कुल दोनों तरफ होने चाहिए। ये मेरा सुझाव है कि जब शहीद, हमारे अमर शहीद जवानों के नाम पर इस चौक का नाम रखा गया है तो उनके जो नामों की लिस्ट है, जो हमारे अमर शहीद जवान हैं उनकी जो लिस्ट है, वो उस तरफ नगर निगम की तरफ ना होकर अगर इस तरफ हो तो हर आने जाने वाले लोगों को ये पता होगा, नई पीढ़ी को ये पता होगा कि इस चौक पर, इस चौक का जो नाम शहीद चौक रखा गया है, किन किन हमारे अमर शहीद जवानों के नाम पर इस चौक का नाम शहीद चौक रखा है। हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने सहयोगी इमरान को कहेंगे कि हमारे साथ आए। और इस तरफ जो आप सदर अस्पताल की तरफ जाते हैं, इस सड़क का नाम आपको पता है क्या है? शहीद मेजर आशुतोष पथ। देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे इस तरफ अमर शहीद मेजर आशुतोष पथ, इस सड़क का नाम है। तो इस जगह की काफी, इस जगह का इतिहास रहा है, शहीदों को लेकर काफी पुराना इतिहास रहा है। मेजर आशुतोष जो थे वो देश सेवा में शहीद हो गए और उन्हीं के नाम पर ही इस पथ का नाम रखा गया है। और ये पथ मेजर आशुतोष, शहीद मेजर आशुतोष के घर तक जाती है। इस पथ का नाम मेजर आशुतोष पथ रखा गया। हम भी चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर अमर शहीद मेजर आशुतोष पथ का नाम जिस शिलापट पर लगा है उसमें आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है, यहां पे भी एक अच्छा सा बोर्ड हो, उसमें लिखा हो अमर शहीद मेजर आशुतोष पथ। शहीदों को लेकर थोड़ी मेरी जो संवेदना है, जो मेरी सोच है, वो बहुत भावनात्मक है, मेरा लगाव बहुत भावनात्मक है। तो इसलिए हमने शहीद चौक लाइव इस प्रोग्राम के लिए हमने शहीद चौक जगह का चयन किया। वैसे कई ऐसे जगह थे जहाँ पे डिस्टरबेंस कम हो, गाड़ियाँ कम आती हो। कई बार हम लोग यहाँ शो कर रहे होते हैं तो कई गाड़ियाँ आती हैं काफ़ी तेज़ हॉर्न में, वो आवाज़ हॉर्न उनका बजता है और उनके आवाज़ से हमारा प्रोग्राम भी डिस्टर्ब होता है। जैसा कि अभी देख रहे हैं, अभी जस्ट लॉकडाउन के दौरान भी मोटरसाइकिलें आ रही हैं बहुत तेज़ आवाज़ में, तो कुछ जो हम लोगों का जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ा गड़बड़ होता है। अब चलते हैं लोगों के सुझाव की तरफ। हम फिर चलेंगे बापू की प्रतिमा की तरफ, क्योंकि ये देश बापू के सिद्धांत पे ही चलता है, चल रहा है, चलता आया है और चलेगा। सबसे पहले हम लोगों की सुझाव पे आते हैं। कई लोगों ने हमें फोन करके, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए कई सुझाव भेजे लॉकडाउन को लेकर या लॉकडाउन में हो रही परेशानी को लेकर। उन सुझावों में सबसे पहला सुझाव ये है कि जो गरीब छात्र गाँव में, जिनके पिता मजदूरी करते हैं, जिनके पिता खेतों में काम करते हैं, उनके बच्चे गाँव से कटिहार शहर में आकर रूम किराए पर लेकर रहते हैं और अपनी जीविका या अपना मेंटेनेंस जो है वो दूसरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पूरा करते हैं,
ऐसे लॉकडाउन की स्थिति में उनका ट्यूशन भी बंद है या दूसरे छोटे मोटे पार्ट टाइम काम जो होते हैं वो भी बंद हैं। इसको लेकर काफ़ी परेशानी हो रही है। तो हम चाहेंगे कि जो भी लॉज संचालक हैं, जो भी जो स्टूडेंटों को अपने घर में रखते हैं, हम चाहेंगे कि वैसे लोग खुद सामने आए, क्योंकि कई लोग जाति धर्म मजहब सबको तोड़ते हुए अपने निजी कोष से व्यक्तिगत तौर पर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, लगातार गरीब असहाय और निर्धन लोगों की सेवा में लगे हैं। आप भी सामने आइए और घोषणा कीजिए ऐसे गरीब छात्रों के लिए कि उनका किराया कम से कम 2 से 3 महीने का आप माफ़ कर देंगे, या उनको आश्वस्त कराइए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मीडिया के सामने आके बोले। जो आपके यहाँ स्टूडेंट्स हैं या गरीब असहाय और निर्धन लोग हैं, आप खुद सामने आइए और कहिए कि लॉकडाउन में आपका काम बंद हो चुका था, आपका काम बंद हो चुका है, पैसे के बंदोबस्त नहीं हो पाए हैं। लॉकडाउन की इस स्थिति को देखते हुए समाज की तरफ हमारा समाज के लिए हमारा सहयोग इतना है कि हम 2 महीने और 3 महीने का किराया आपको माफ़ करते हैं। ये गुजारिश उन मकान मालिकों से है जिनके यहाँ गरीब असहाय और निर्धन लोग रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं। उन मकान मालिकों से हमारी गुजारिश है कि वो सामने आएं और कम से कम इसकी घोषणा करें कि वो कम से कम 2 महीने या 3 महीने का जो किराया है वो माफ़ कर रहे हैं। हम प्रशासनिक अधिकारियों से भी चाहेंगे कि इस और अगर कुछ संभावनाएं बनती हैं तो बनाएं, क्योंकि ज़रूरतमंद लोग बहुत फ़ोन कर रहे हैं, हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहे हैं, हमें ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट कर रहे हैं, वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं। कई लोग फ़ोन करके कहना चाह रहे हैं ने कहा कि जो लॉकडाउन की स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जो स्थिति है, जो अनाजों के लिए लोगों की अनाज लेने के लिए जो लोगों की भीड़ लगी होती है, उस भीड़ में लॉकडाउन की स्थिति का पालन कैसे कराया जा सकता है, तो कई सुझाव इस पे भी आए हैं। बताया गया कि ऐसा किया जा सकता है कि डीलर खुद ट्रैक्टरों में पॉस मशीन लेकर जो वेट मशीन है उसके साथ लोगों के घरों घर घर तक अनाज पहुंचा दे, ये भी एक सुझाव आया है। बैंकों को लेकर भी सुझाव आए हैं, बैंकों को लेकर सुझाव ये आए हैं कि क्यों ना पॉस मशीन के साथ लोगों के घर घर में पैसे पहुंचा दिए जाएं। तो कई सुझाव लोगों ने दिए हैं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मजबूत हो सकती है या किया जा सकता है। निश्चित तौर पर कटिहार में 2 ऐसे अधिकारी हैं जिनके कामों की चर्चा हर तरफ हो रही है। जैसे मैं बता दूं कि कटिहार के DM कोरोना महामारी के एहतियातन जो भी स्टेप लेने चाहिए उन्होंने लिया है और बहुत बेहतरीन काम किया है। उसके अलावा पुलिस के SP हरिमोहन शुक्ला, वो भी बेहतर काम उन्होंने किया है। गरीब असहाय निर्धन और मजबूर लोगों के लिए लगातार वो खाने का पैकेट मुहैया कराते आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो पशु और पक्षियों के लिए भी उनका प्रेम काफ़ी देखने को मिला कि जो दैनिक क्रिया से पशु और पक्षी जुड़े हुए हैं और दैनिक क्रिया बंद है, तो उनको भी वो खाना और दाना पानी देने की कई तस्वीर सामने आई थी। तो कई लोग हैं जो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, कई समाजसेवी संस्थाएं हैं जो लगातार लोगों को राहत पहुँचा रहे हैं, जो लगातार लोगों के कॉन्टैक्ट में हैं, लोगों को राहत सामग्री दे रहे हैं, खाने का पैकेट दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइज़र दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कई लोग इस त्रासदी के वक्त में सामने आए हैं और अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। निश्चित तौर पर हम भी वैसे तमाम मकान मालिकों से अपील करेंगे कि जिनके घर या जिनके घर में गरीब असहाय और निर्धन लोग, खासकर छात्र जो रह रहे हैं, उनका किराया वो माफ़ करें। आज चूंकि शहीद चौक लाइव में कोई खबर हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ आज आपसे बात और लोगों के सुझाव पर शहीद चौक लाइव है। और हमने आज आपको बताया कि हमने शहीद चौक लाइव प्रोग्राम के लिए ये जगह क्यों चुना। निश्चित तौर पर जहां पर जिस जगह पर अमर शहीद या शहीद का नाम आए तो मेरा थोड़ा भावनात्मक जुड़ाव उस जगह से हो जाता है, और शायद इसी वजह से हमने इस जगह का चयन किया और इस प्रोग्राम का नाम शहीद चौक लाइव रखा। आज के लिए मुझे और इमरान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।